हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं फिलहाल हूँ अभी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। आज मैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से आपको हर छोटी बड़ी जानकारी मैं शेयर करूँगा। क्या होता है ना कि बहुत लोग पहली बार आते हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, तो उन्हें नहीं पता होता है कि टिकट काउंटर किधर है, पूछताछ काउंटर किधर है, वेटिंग हॉल किधर है। तो नहीं पता रहने के कारण क्या होता है ना कि उनको परेशानी हो जाती है। ठीक है, अगर आप गाड़ी से आते हैं तो आपको पार्किंग फैसिलिटीज़ पता होनी चाहिए कि पार्किंग एरिया किधर बना हुआ है। ठीक है, अगर आपके साथ लगेज है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर की फैसिलिटीज़ है और लिफ्ट की भी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। सो ब्लॉग को चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं। सो गाइज, अगर आप मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन आते हैं तो यहाँ पे आपको पूछताछ काउंटर मिल जाएगा जो कि 24 घंटा अवेलेबल है। ठीक है, तो ये रहा पूछताछ काउंटर। यहाँ से आप एंट्री कीजिएगा, यहाँ आप आइएगा तो आपको पूछताछ काउंटर मिल जाएगा। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कुछ भी आपको पूछना हो। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं तो आपको एसी वेटिंग हॉल भी मिल जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये फ्री नहीं है। आपको इसका 20 रुपया प्रति घंटा का आपको 20 रुपया चार्ज लगेगा। ठीक है, टिकट आपको अवेलेबल रहना चाहिए, टिकट रहेगा तभी आपको इसमें बैठने के लिए दिया जाएगा। प्रॉपर सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है इसमें। ठीक है, और वैसे आपको इस तरफ आप आइएगा तो निःशुल्क आपको वेटिंग हॉल मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आप फ्री में आके बैठ सकते हैं, सिर्फ आपको टिकट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एसी का टिकट होना चाहिए। आपको उस तरफ नॉर्मल वाला है, ठीक है, पुरुष का वेटिंग हॉल है। ठीक है, तो ये रहा, मैं आपको सामने से चल के मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, कुछ ऐसा है वेटिंग हॉल। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, प्रॉपर स्पेस ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, मिथिला पेंटिंग बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये रहा अंदर में वाशरूम, तो वाशरूम मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा साफ़ सुथरा है, मैनेज कर लीजिएगा, एवरेज है। सो गाइस, तो ये रहा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर। आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड आते हैं तो आपको यहाँ पे टिकट काउंटर मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा है तो आपको टिकट का कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये काफ़ी बड़ा वेटिंग हॉल भी है, और अगर आपको अगर यहाँ बैठ के इंतज़ार करना है ट्रेन का तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। नंबर 1 पे ही आपको PNU शौचालय भी मिल जाएगा, तो आपको टॉयलेट वगैरह जाना है तो उसका दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आराम से आप 2 रुपये से 3 रुपये दे के आप आराम से टॉयलेट बाथरूम जा सकते हैं। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे आपको पीछे आप देख सकते हैं खाने पीने का आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, प्रॉपर आपको स्टॉल वगैरह मिल जाए। दरभंगा नई दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस, मैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का छोटा सा जानकारी मैं आप लोग को दे देता हूँ। तो मुजफ्फरपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है MFP। यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे रोजाना 127 ट्रेन आके रुकती है। नंबर ऑफ ऑर्डिनेटिंग ट्रेन 22 है, नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग ट्रेन 22 है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, मुजफ्फरपुर जंक्शन को इसलिए जंक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 3 लाइन गुजरती है। एक चली जाती है आपको समस्तीपुर की तरफ, एक चली जाती है अपनी हाजीपुर की तरफ, और एक बापूधाम मोतिहारी की तरफ आपको चली जाती है। ठीक है, और मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से आपको डायरेक्ट ट्रेनें अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है। यहाँ पे आपको लिफ्ट का भी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे। ये रहा लिफ्ट अपना, कुछ ऐसा है आपको उस तरफ हाँ बंद हो गया, उस तरफ ही खुलेगा। ठीक है, ये रहा लिफ्ट खुल गया अपना। तो अगर आपके पास लगेज वगैरह है तो आराम से आप लिफ्ट से आप नीचे आ सकते हैं। ठीक है, लिफ्ट अब बंद हो गया। ठीक है, अब ऊपर जा रहे हैं। और अभी मैं हूँ मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के नए फुट ओवर ब्रिज पे। ये अभी बिल्कुल नया बना है और हाल ही फिलहाल में पब्लिक के लिए खोला गया है। और बगल से अवध एक्सप्रेस पास हो रही है, अवध एक्सप्रेस बड़ौनी से बांद्रा टर्मिनल। ठीक है, यानी कि मुंबई के लिए चलती है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, प्लेटफॉर्म को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म्स है, एक इस तरफ है। ठीक है, उसके बाद अभी मैं हूँ 2 और 3। ठीक है, और मेरे पीछे आप जस्ट देख रहे हैं उस तरफ हो जाएगा 4 और 5।
और ठीक आप मेरे इस तरफ आप देखिएगा तो 6, 7 और 8, ठीक है, तो 6, 7 और 8 आपको एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ही आपको मिलेगा। ये अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वही मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का नया फुटओवर ब्रिज है और बन के तैयार है, ठीक है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पीछे कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये जो नया फुटओवर ब्रिज जो बना है ना, ये आपको मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के डायरेक्ट बाहर से आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरफ चंद्रलोक चौक के साइड के तरफ आपको एग्जिट के तरफ आपको जोड़ता है, ठीक है। तो ये काफ़ी, ये जो पुल जो बना है ये काफ़ी बेहतरीन है। सीवर से कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। तो ये जो नया पुल ओवर ब्रिज अभी हाल ही फिलहाल में मुजफ्फरपुर में बना है और आम लोगों के लिए खोल दिया गया, तो ये कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि सफाई बहुत बढ़िया है, नया बन रहा है तो अच्छा के लिए दुर्घटना और काफ़ी, मतलब क्या होता है ना कि पहले 2 फुट ओवर ब्रिज था तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी, अब 3 फुट ओवर ब्रिज मुजफ्फरपुर जंक्शन पे बन गया है तो लोगों को फैसिलिटी काफ़ी सुविधा हो गई है, तो अब दिक्कत नहीं भी बहुत ज़्यादा हो गया। और ये फुट ओवर ब्रिज जो है काफ़ी स्पेसियस है, ठीक है, और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। गाइस, अगर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के आप दूसरे तरफ आते हैं, मतलब चंद्रलोक चौक के साइड आप आते हैं, तो आपको पीछे में भी टिकट काउंटर मिल जाएगा, मेरे पीछे देख सकते हैं आपको। उससे पहले मैंने एक नंबर प्लेटफॉर्म पर टिकट काउंटर मैंने दिखाया था, ठीक है, और इस तरफ पार्किंग का भी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको गाड़ी लगाने वगैरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे आपको एक्सीलेटर का भी सुविधा मिल जाएगा, ठीक है। आप इस तरफ से आते हैं प्लेटफॉर्म नंबर खुदीराम बोस साइड से आप आते हैं तो आपको मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे आपको एक्सीलेटर का भी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। चलिए ब्लॉग को यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और हाँ, जय हिंद।